हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, हमको सिखा दिया है। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स पे भी प्यार दिखा दिया करें, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को भी लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी जरूर करें। ओके। तो गाइस, अभी ना जो है मैं जाने लगी हूँ बाहर, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी साथ लेकर चलो। लिटरली यकीन माने, मैं अभी अभी आज का व्लॉग एडिट करके हटी हूँ, तो आप मेहनत देख रहे हैं कि कितनी होती है, सारा दिन रिकॉर्ड करना फिर उसको एडिट करना, एंड इट्स सो मच मेहनत। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो अभी ना मैं जाने लगी हूँ बाहर, मुझे अपने खाने के लिए चने लाने हैं। अच्छा, तो वो मुझे खुद ही जाना पड़ रहा है, तो मैं जा रही हूँ अभी बाहर, और मैंने सोचा मैं आपको भी साथ लेकर चलूँ। रास्ते मैंने अपने नानों की तरफ भी जाना है, तो चले चलते हैं। तो अभी मैं अपने नानों के घर आई थी, तो मज़ेदार से खुशबू आ रही थी। अच्छा, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हैं तो दो नानों कैसे, मतलब एक नानों की तो अभी डेथ हुई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन आमीन। तो ये मेरे नानों की बहन है और उनको भी हमने बचपन से नानो ही कहा है, तो इसलिए हमारी दो नानो हैं। और उसके बाद जो है मैं वापस आ गई थी और चने नहीं मिले थे क्योंकि दुकान ही बंद थी उसकी इस वजह से। तो गाइस, मुझे एक और लेडी बर्ड मिला। अच्छा, मामा को नज़र ही नहीं आया, मैंने कहा मैं ढूंढती हूँ, इधर ही होगा, और वही हुआ। एक और लेडी बर्ड हंट किया मैंने गाइस, एक और चनों का सीन ये हुआ है कि वो दुकान ही बंद थी, मिले ही नहीं। अब मेरे पापा और मामा जाग लाएंगे, क्योंकि खाने तो हमने चने ही हैं, आज कुछ भी हो जाए। और ये देखो, मैं क्लोज से दिखाती हूँ पर ये कैप्चर ही नहीं करता मेरा कैमरा ये। तो गाइस, वो लेडी बर्ड को मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा है, ये कीड़े आप किस को याद है, इनको मारो तो अंदर से ग्रीन ब्लड निकलता है। ओ छी, ये कहाँ से आ गया, गर्मी आ रही है ना, बस कीड़े मकोड़े हैं। मैं तो लेडी बर्ड को ढूंढ रही थी, उसको मैंने पकड़ा तो उड़ गया, अभी मुझे फिर नजर आया, फिर मैंने पकड़ा और फिर उड़ गया। मैं उसको बैठ छोड़ना चाह रही हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं, ढूंढ रही हूँ पर मुझे नहीं मिल रहा वो। तो अ लिटल रिमाइंडर फॉर दोस्त जो पानी नहीं पीते, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, शरबत और जूसेस कम करें, हेल्थ का ख्याल रखें और पानी पिए। मैं अपनी बोतल को भरने लगी थी क्योंकि आज मुझे कोई प्यास लगी है गाइस, आज इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की गर्मी है। आप बताएं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जो जो लाहौर से हैं मुझे देख रहे हैं वो बताएं कि वाकई ही गर्मी आ गई है, क्योंकि आज मुझे कोई नेक्स्ट लेवल की प्यास लगी। उफ अल्लाह, ये सारी बोतल मैंने ख़त्म की है और अभी मुझे स्टिल प्यास लगी है। अब मैं ठंडा ठार पानी करके पीऊँगी, तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में ताकि थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए, फ्रिज में तो ठंडा ही नहीं होता। तो बोतल मेरी कोई फैंसी शैंसी नहीं है, जो थी वो टूट गई है, अब मेरा दिल है मैं कोई फैंसी प्यारी सी बोतल लूँ और उसका ख्याल भी रखूँ। तो अभी मैं बस पानी भरती हूँ और फिर हम ग्रीन टी बनाते हैं। मैं ना, आज मेरा दिल है मैं ये वाली पी लूँ, ठीक है, दूसरी मेरे पास ये है। अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, ठीक है, ये थोड़ी हाई क्वालिटी की है, बट मैं आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने का सजेस्ट करूँगी। एक ग्रीन टी पे आप इतने पैसे खर्च करें, उससे अच्छा आप ये ले लें। ये कोई पड़ेगी आपको 200 की और ये पड़ेगी 1000 की, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काम इसने भी वही करना है जो इसने करना है, बस ये थोड़ा फैंसी है, इसके अंदर ऐसे पैकेट्स हैं बने हुए। अगर आपने पैकेट्स ही लेने हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डपाल की लेने। मैं डपाल की बहुत देर यूज़ करती रही हूँ, डपाल की ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट में बहुत अच्छी है, और डपाल में फ्लेवर्स भी बहुत है, फ्लेवर्स इसमें भी बहुत है, फ्लेवर्स हर ग्रीन टी में होते हैं। तो हाँ, क्वालिटी में हो जाता है फ़र्क थोड़ा बहुत 19-20 का, बट 19-20 के फ़र्क के लिए इतने पैसे मेरी तरह ना वेस्ट करें कि 1000 की है, ये 200 की है। टपाल की भी आपको इतने की मिल जाएगी, टपाल में इसमें देखें ना टी बैग्स हैं, ओपन हैं ये, पर टपाल के अंदर आपको जो पैकिंग मिलेगी ना वो ऐसी होगी, उसके अंदर भी ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह के पैकेट्स होंगे सेपरेट सेपरेट। तो आप टपाल की ले लें या लिप्टन की ले लें, इतने पैसे ना खर्च करें, ग्रीन टी वेस्ट ऑफ मनी मेरी तरह।
तो अब खैर मैं ये पीने लगी हूँ, आज मेरा दिल है कि मैं ये वाली पीऊँ। ठीक है, मैंने अपने ग्रीन टी में क्या डाला था, मैंने जो है हाफ लेमन डाला था, और जो है छोटा जो चम्मच होता है वो मैंने हनी का डाला था, और थोड़ी सी ऊपर चुटकी मैंने सिनेमन पाउडर की डाली हुई थी जो मैंने घर में बनाया हुआ था। और टी बैग्स भी कम मिलेंगे मैगी वाले में, उसमें आई थिंक 20 टी बैग्स थे और दूसरी में थे 25, जी सस्ती वाली में 25 थे। तो फिर यहाँ पे मेरा जो डेली रूटीन में होता है, टास्क लिस्ट फिल करना, हैबिट ट्रैकर्स, मूड ट्रैकर्स जो है बहुत सारा करना, तो मैं वो कर रही थी जो है सब कुछ जो मैंने फिल नहीं किया था कुछ दिनों से। और ये तो भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, पर फिल काफ़ी कुछ मैंने किया था जो है अपनी डायरी में, अपने रोज़ के टास्क वगैरह, और जो है हैबिट ट्रैकर्स और मूड ट्रैकर्स मुझे सबसे मज़े के लगते हैं, क्योंकि उससे आपका मूड ट्रैक होता रहता है। आज के व्लॉग में, मतलब अब नेक्स्ट जो व्लॉग होगा, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको दिखाऊँ और समझाऊँ कि मूड ट्रैकर्स पे कैसे मूड ट्रैक होता है। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता और उनको पता चल जाएगा, तो मूड ट्रैकर्स मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि मैं उससे पता लगा सकती हूँ कि थ्रू आउट मंथ मेरा मूड कैसा था, किस दिन अच्छा नहीं था, किस दिन बुरा था। तो ये सारा पानी और बर्फी ऑर्डर शुरू हो गया उनके। खैर मैं उनके लिए लेने जा रही हूँ जो इन्होंने कहा। पानी बने लिए हम, ये लो पानी। और दूसरी क्या चीज थी, बर्फी। बर्फी सीन कुछ यूं है कि ना मैं वर्कआउट करने लगी हूँ, हिम्मत करके हुआ ही है, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना, मसला तो कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं बैठ जाऊंगा पीछे की दीवार को इग्नोर करें, ठीक है। ये सारा गाड़ी बहुत प्यार है, मतलब कि काम कहते हैं इनको, कोई काम ही नहीं करके जाते यहाँ पे। खैर तो मेरी गलती कि मैंने खा लिया शरबूजा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा वाला कह रही हूँ, ये वाला, ये जो इस तरह के होते हैं ना वाइट से, जो मतलब के ये देखिए ऊपर मच्छर, ये मच्छर को पता नहीं इस शरबूजे से क्या मसला है, कि मीठे तो बहुत होते हैं और ये होते वाइट हैं, ठीक है। मुझसे तो पकड़ा भी जाएगा, ये नजर आ रहा है आपको, ये जो है ना ये एक उसकी किस्म है खरबूज, खरबूजे की, शरबूजा जिसको कहते हैं। ये मीठे तो बहुत होते हैं, पर इसने जो मेरा गला खराब किया है, मैंने जैसे खाया उसके बाद से मुझे गले में खराश हो गई, जैसे गर्मा खा के होती है, गर्मा खा के कभी मुझे खराश नहीं हुई ऐसी गंदी वाली। ये आई एम सॉरी, इतनी गंदी खराश हुई है कि मुझे खांस खांस के दर शुरू हो गया है, इतना खांसी हूँ मैं, इतना खांसी हूँ, कोई नेक्स्ट लेवल का खांसी हूँ, और बुरी हालत कर दी है इसने। अल्लाह तोबा, मैंने अब ये खा लिया, कभी भी नहीं खाना मैं। तो यहाँ पे मैं वर्कआउट करने लगी थी, तो मैंने जो शर्ट निकाली थी आज के वर्कआउट के लिए, इस शर्ट की बहुत ही स्टोरी है, ठीक है। इस शर्ट से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, मैंने तब ली थी जब मैं हेल्दी थी थोड़ी, ठीक है। और मैंने बहुत बातें सुनी अपनी वेट की वजह से, ठीक है। आपको पता है ये नेचुरली लोग बहुत बोलते हैं जिनका वेट ज़रा ज़्यादा हो, ठीक है, बुली करते हैं सारे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। अगर आप मोटे हैं और आप खुश हैं ना, तो प्लीज़ लोगों की बातों को मत सुने, खुश रहें आप लोग। अगर आप पतले हैं और आप खुश हैं, लोगों की बातों को मत सुने, लोग किसी हालत में खुश नहीं होंगे गाइस, किसी हालत में भी। आप जैसे हैं, अगर आपको खुद आप अच्छे लगते हैं तो आप वैसे ही रहें। तो ये शर्ट जो है ना, इसलिए मेमोरेबल है कि मैं तब मोटी थी और मैंने ये ली थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी स्मार्ट स्लिम हो चुकी हूँ कि ये मुझे खुली डुल्ली सी है बिल्कुल। और इसको देख के ना मुझे वो याद आता है कि देखो ये शर्ट मुझे नहीं आती होती थी, पर मैंने खुद के लिए, मैंने लोगों के लिए नहीं, मैंने खुद के लिए जो है अपने आप को इम्प्रूव किया, बिकॉज मैं खुद चाहती थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तक आप खुद ना चाहें ना, तो प्लीज़ लोगों की बातों को मत सुने। आपका दिल अगर खुश है, आप जैसे हैं तो वैसे ही रहें। और ये थी मेरी सहरी, दही था और चने मिल गए थे फाइनली। मेरा भाई प्यारा जो है मामा के साथ जाकर ले आया था, तो फिर मैंने चने खाए थे, और प्लेट को इग्नोर करें ऐसे ही फैले फूले होते हैं, और साथ रोटी खाई थी। और पता नहीं क्या हुआ था इस दिन, मेरी भूख ही नहीं ख़त्म हुई, शायद मैंने वर्कआउट किया था या चनों में कुछ था।
तो मेरी भूख ही नहीं खत्म हुई थी ये तो गैस। आज मेरे साथ सेम क्या हुआ कि वैसे तो मैं ओवरलोड हो जाती हूँ, मतलब भूख नहीं होती इतनी सारी में, पर आज मेरी भूख ही नहीं खत्म हुई। और मेरे भाइयों के साथ भी सेम यही सीन हुआ, शायद उसके चनों में कुछ था। तो खैर मैं यही खाने लगी हूँ, आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा मिल्क और ये सीरियल, तो इससे मैं अपनी बाकी की क्रेविंग सेटिस्फाई कर लूँगी। तो सुबह जो है मैंने अपनी खाला के घर जाना था, आपको पता दिन में एक चक्कर तो मेरा लाजमी लगता है, और इस दिन वो अकेली थी तो जो है मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था उसके साथ, मैं खेलती रही और वो भी खेलती रही। और जो आपको पता बच्चों को ऐसे हाथों मारने की आदत होती है, वैसे बच्चों को हाथों मारने देना चाहिए, उनसे उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह कह दीजिएगा एक बार कमेंट्स में आप। बस मैं ना अभी अपनी खाला के घर से आई हूँ, और सुबह से ना मुझे टाइम ही नहीं मेरे पास पारा पढ़ने का, तो जो है अब मैं सोच रही हूँ मुझसे जितना पढ़ा जाता है मैं पढ़ लूँ, उसके बाद फिर जो है असर की नमाज़ हो जाएगी, और फिर मैंने जो है नमाज पढ़ने के बाद इफ्तारी का आपको पता है काम शुरू हो जाता है। तो आज मैं क्या बनाऊँगी आप लोगों को पता ही चल ही जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी बस मैं फटाफट पारा पढ़ लूँ, और फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर हम इफ्तारी के टाइम मिलते हैं ना। मैं यहाँ पे मेरा सैंडविचेस बना रही हूँ, सॉसेजेस और एग्स वाले पहले भी बनाए थे वही वाले बना रही हूँ। अच्छा ये मिनी सॉसेजेस होते हैं, इनके अंदर चीज़ फिल्स होती है, ठीक है ये वो वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इनको निकाल लूँ और फिर मैं जो है इसको बॉयल करती हूँ, ठीक है बॉयल करके फिर पीसेस करेंगे हम इसके। तो यहाँ पे मैंने ना ये 8 निकाल लिए हैं, और अब इनको जो है बॉयल होने देंगे, और तब तक मैं ब्रेड निकाल लूँ और एग्स निकाल लूँ। तो ये जो है मैं फिश से निकालनी थी अपनी ब्रेड भी, और ब्रेड में ही ख़त्म हो गई थी, बस ये ब्राउन ब्रेड है, और उसके साथ जो है चिली गार्लिक सॉस थी और मायोनीज़ थी, और 3 एग्स लिए थे मैंने। तो उसके बाद जो है एक एक करके मैंने एग्स डाल दिए, और मैं सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ, मैंने वो ब्लैक पेपर नहीं डाली हुई थी, खाली सॉल्ट ही डाला था। और यहाँ पे ये रहे सॉसेजेस, मैंने इनको छोटा छोटा कट कर लिया था, और कट करने के बाद इनको जो है आपने एग के अंदर डाल देना, या तो एग के अंदर डालेंगे एग डाल के ऊपर आप जो है रख दें जब आप तवे पे डालें तो। और ये चिप्स जो तो गाइस ये है मेरा आज का एक कल वाला ही मेनू, नहीं है डिफरेंट है, ये सैंडविचेस डिफरेंट है, इसकी फिलिंग डिफरेंट है, आपको पता ही है। इसमें सॉसेजेस हैं और एग्स हैं, ये थोड़े से बच के थे तो मैंने साइड पर रख लिए, और ये सैंडविचेस हैं साथ में, वही केचप है और खजूरें हैं। तो ये है मेरी आज की तारीख, आई होप कल आपको डिफरेंट इफ्तारी नज़र आएगी, क्योंकि कल मेरा चीट डे है, तो आई एम एक्साइटेड, चीट डे पे मैं एक्साइटेड होती हूँ। और मेरे ब्लॉग्स पे प्यार दिखा दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स कर दिया करें, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।